लुधियाना बस स्टैंड पर सेक्स रैकेट वीडियो, नशे की पूर्ति के लिए कर रही गंदा काम, पुलिस ने सड़क पर खड़ी महिलाओं को खदेड़ा। पंजाब के लुधियाना में बस स्टैंड रोड पर सेक्स रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। यह इलाका थाना डिवीजन नंबर 5 और चौकी कोचर मार्केट एरिया में आता है। सड़क पर युवतियां खड़ी होकर ग्राहकों को जाल में फंसा होटलों के कमरे में ले जा रही हैं। वहीं कुछ एक ऐसी महिला भी है जो लूटपाट का गैंग भी चला रही है। देर रात बस स्टैंड रोड की वीडियो सामने आई है, जहां कुछ महिलाएं और युवतियां ग्राहकों के साथ बातचीत कर रही थी। इतने में इलाके में गश्त करते हुए पुलिस कर्मचारी मौके पर आ पहुंचे। पुलिस को देख युवतियां सड़क पर दौड़ती दिखी। बता दें कि 1.5 महीने पहले इसी इलाके में 2 होटलों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी और करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस रेड के बाद दोबारा इस इलाके में कभी पुलिस ने कोई दबिश नहीं दी। इलाका निवासी दविंदर ने बताया कि जब थाना या चौकी का कोई अन्य SHO या इंचार्ज आता तो एक बार इन होटलों या गेस्ट हाउस में चल रहे अनैतिक कार्य पर कार्रवाई जरूर होती, लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या कारण है कि दोबारा चौकी या थाना से कोई कर्मचारी दबिश नहीं देता। एक सेक्स वर्कर ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इलाके में युवतियां नशे की लत से ग्रसित हैं। नशे की पूर्ति के लिए लड़कियां जिस्म फरोशी का काम कर रही हैं। वह खुद सिर्फ शराब पीती हैं, लेकिन वह बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानती है जो नशे की तोड़ पूरी करने के लिए इस गंदे काम में पड़ी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।